नमस्ते, आज हम बनाएंगे खोए जैसी मीठी पूड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब आप मलाई का घी निकालते हैं, जो नीचे खुरचन बसता है, उसी का हम आज पूड़ी बनाएंगे। यहाँ नॉर्मल हमने जैसे रोटी या पराठे का आटा गूंथा जाता है, उसी तरह हमने ये आटा गूंथ लिया है। और ये 2 चम्मच खुरचन है, इसमें 2 या 3 चम्मच हम चीनी मिलाएंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जब मलाई से आप घी निकालिए तो नीचे तली में उसको बैठने मत दीजिए, तो जल जाएगा, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसे नीचे से बीच बीच में चलाते रहेंगे तो नीचे का ये खुरचन जलेगा नहीं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। ये पूड़ी बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। एक रोटी के बराबर हमने एक लोई ले लिया है, उसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके, जैसे पूड़ी बनाते हैं आलू का या गोभी किसी चीज़ का भरने के लिए, ऐसे ही गोल कर देंगे इस तरह। और इसमें ये फिलिंग हम डाल देंगे। दो चम्मच खुरचन में 2 पूड़ी बन जाता है आराम से। इस तरह प्रेस करके हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। हमने सूखा आटा लगा दिया है, हल्का सा हाथों से किनारे से ऐसे प्रेस कर लेंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन से बेल लेंगे। यहाँ हमने तवा रख लिया है गरम होने के लिए। ये गरम हो गया है मेरा, इस पर हम डाल देंगे। अब पलट लेंगे। इसको आप देसी घी में सेकेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। वैसे आप रिफाइंड में तल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देसी घी लगता है, खाइए तो बिल्कुल खोए से भी टेस्टी लगता है ये पूड़ी। इसको मीडियम फ्लेम पे जैसे पूड़ी सेका जाता है वैसे ही सेकेंगे। जब तक सीख रहे हैं तब तक दूसरी पूड़ी भी बेल लेते हैं। कलर इसका कितना प्यारा आ रहा है। मीडियम फ्लेम पे हल्का सा से किनारे किनारे दबा दबा करके अच्छे से सेक लीजिए। सीख गया ये बिल्कुल, देखिए नॉर्मल जैसे पूरी सिकता है उसी तरह से अच्छे से सीख गया है। अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बच्चों को कभी कभी बहुत तेज़ी से भूख लग जाता है तो समझ में नहीं आता क्या बना है, तो ये झटपट बनने वाला है। मलाई के खुरचन की पूड़ी मेरी बनके तैयार हो गई है। ये बिल्कुल खोए जैसी टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फ़ायदे करता है बच्चों के लिए। तो आप भी बनाइए और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।